Hey everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be about Meesho. So Meesho से मुझे फिर से बहुत सारी चीज़ें receive हो गई है and here it is. So actually अगर आपके पास Meesho का app नहीं है तो आप बहुत ही important app miss कर रहे हो. Download link is in description box. अगर आप उसी link से करोगे तो आपको flat 30% off मिलेगा on your first order. So please don't miss it. Meesho पर 50 lakh से ज़्यादा product available है और 1 crore से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है. तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप बहुत लेट हो, तो प्लीज़ कर दीजिए. इट इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी प्रोडक्ट मैं किसी और मतलब वेबसाइट पर देखती हूँ या मतलब कहीं और मैं देखती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर भी हो, बट मीशो पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइजेस में आपको चीज़ें मिल जाती है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, मेंस कैटेगरी हो, वुमेन कैटेगरी हो, किड्स कैटेगरी हो, फुटवेयर, ज्वेलरी, होम डेकोर, किचन आइटम्स, सारी चीज़ें अवेलेबल है. मार्केट में मिलने वाली हर चीज़ आपको मीशो पर मिल जाएगी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और लाइक कर देना वीडियो को, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपको नहीं पता कितना ज़रूरी होता, तो प्लीज़ आप कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को. और यस, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ आज. सो ये मुझे मिलकर काफ़ी टाइम हो गया है. दिस इज़ सिल्वर प्ले बटन. और मैं कह रही हूँ ना, मतलब उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब इसे मिलकर आई गेस मुझे 1.5 महीना हो चुका है, बट आई वॉज सो हैप्पी. 1.5 महीना, यस, उतना तो टाइम हो ही गया होगा. और मतलब ये जब आया था ना तो मैं बहुत खुश हो गई थी. इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके साथ करने वाली हूँ. अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सब कुछ हो गया, लेकिन वही है ना कि आपके सामने मुझे एक बार से खोलना है, आपको दिखाना है, बट वीडियो के एंड में करेंगे. सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट जो आउटफिट है, ये एक्चुअली एक ब्यूटिफुल सा कुर्ता सेट है. सो इट इज़ इन ग्रीन शेड. मुझे एक्चुअली इसका शेड काफ़ी अच्छा लगा. और ये जो फैब्रिक है ना, दिस इज़ रेयॉन फैब्रिक, बट द कॉम्बिनेशन इज़ रियली नाइस. इट इज़ ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन. लेट मी ओपन इट फॉर यू. साइज़ है इसका स्मॉल, तो ये साइज़ स्मॉल से स्टार्ट होता है. सो इसलिए मैं ज़्यादा खुश हो गई कि चलो साइज़ स्मॉल इज़ अवेलेबल. सो फैब्रिक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और बहुत ही क्लासी आउटफिट है. राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड और यहाँ पर इस तरह से गेट जरी वर्क एंड येलो एम्ब्रॉयडरी. सो यू कैन सी येलो थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है और जरी वर्क भी है यहाँ पर इस तरह से. सो आई सीरियसली लव दिस आउटफिट. और यहाँ पर 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड विद येलो पाइपिंग और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है. पूरे कुर्ते में इस तरह से ना फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी मिल रही है. सो यू कैन सी, सो दिस इज़ लुकिंग नाइस. बहुत ही डिसेंट सा कुर्ता सेट है, आई लव्ड इट. और यहाँ पर पाइपिंग जो की गई है येलो शेड में है, तो यहाँ पर एक येलो लुक आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है. और फ्रॉम बैक साइड इट इज़ टोटली प्लेन. इसके साथ यू गेट ट्राउज़र इन द सेंस दिस इज़ या इट इज़ ट्राउज़र. सो इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड. यू कैन सी इस पर ग्रीन बेस पर ब्यूटिफुल फ्लोरल प्रिंट है जो कि कॉन्ट्रास्ट शेड है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और पैंट की विड्थ जो है इतनी है, ठीक है. सो द क्वालिटी इज़ रियली नाइस. फैब्रिक काफ़ी अच्छा है. एंड विद दिस यू गेट दुपट्टा. इट इज़ अगेन इन रेयॉन फैब्रिक और इस पर इस तरह से प्रिंट बना हुआ. जो आपको बॉटम में जो प्रिंट मिल रहा है वही प्रिंट आपको दुपट्टे में भी मिल रहा है. सो इस तरह से है. सो दिस इज़ लुकिंग नाइस. और मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी दुपट्टे की भी. सो प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे. सो यस, इन केस आपको ये वाला कुर्ता सेट अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली ग्रैब दिस. कोड इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये जो कुर्ता है ना, सेकेंड कुर्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ता सेट. सो ये येलो कलर में है और इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है. सो लेट्स सी. और ये जो कुर्ता है ना, इसमें यू गेट अ राउंड नेक. ये एक्चुअली फ्रंट पोर्शन है. सो इस तरह से राउंड नेक प्रोवाइडेड है. और इसका नेक जो है ना, नेक इन द सेंस इसका जो बैक है ना, ये थोड़ा डीप है. यू कैन सी, सो बैक थोड़ा डीप है. विद दिस यू गेट टाई अप और यहाँ पे हैवी टैसल्स दिए हुए हैं, क्लोथ टैसल्स. सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ येलो आउटफिट, आई गेस दिस इज़ द राइट चॉइस टू गो फॉर. काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है और ये रेयॉन फैब्रिक में है. और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर इस तरह से गोल्डन लेस अटैच्ड है. और इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट.
मतलब इसे पहनने के बाद आप कंफर्टेबल तो नहीं रहोगे. आई विल सजेस्ट यू कि यू वेयर एन इनर इनसाइड, बिकॉज उसके बिना तो नहीं हो पाएगा. बिकॉज बहुत ही लाइट शेड है, घेर काफ़ी ज़्यादा है इस कुर्ती में, रेयॉन फैब्रिक है, इट इज़ वेरी फ्लोई और मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और बैक साइड से आपको सेम लुक मिल जाता है, प्लेन लुक. विद दिस यू गेट बॉटम, सो इट इज़ हैविंग इलास्टिक सेम फैब्रिक रेयॉन. ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है. विद दिस यू गेट मतलब ये जो ट्राउज़र है इसकी विड्थ इतनी है, ठीक है. सो और इसके साथ जो दुपट्टा प्रोवाइडेड है इट इज़ इन जॉर्जेट फैब्रिक, जॉर्जेट ही है, या जॉर्जेट फैब्रिक. सो दिस इज़ लाइक टाई एंड डाई प्रिंट, वाइट ऑफ वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो इस तरह का दुपट्टा मिल जाएगा और यहाँ पर इस तरह से गोल्डन लेस अटैच्ड है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आई सीरियसली लव द कॉम्बिनेशन दुपट्टे का. सो इन केस यू आर लाइकिंग दिस, क्योंकि क्वालिटी इज़ नॉट बैड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. कोड इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट आउटफिट इज़ दिस वन. सो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा कुर्ता सेट है. यू कैन सी द बॉटम एंड दुपट्टा. इट इज़ प्योर कॉटन. ओवरऑल कुर्ता सेट आपको प्योर कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा एंड द बेस इज़ रेड शेड, बट बहुत ही सटल सा रेड शेड है, कोई भड़कीला शेड नहीं है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. कैन सी इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड और यहाँ पर वाइट थ्रेड से वाइट थ्रेड, गोल्डन जरी वर्क और फॉल्स मिरर लगा हुआ है. सो यू कैन सी इज़ लुकिंग रियली नाइस. बहुत ही ब्यूटिफुल लुक आ रहा है. यहाँ पर भी फॉल्स मिरर है और यहाँ पर भी है, यू कैन सी. और ये बांधनी प्रिंट है ऑल ओवर कुर्ते में इस तरह से. सो आप देख रहे हो कि इस तरह से राउंड बांधनी है और डिफरेंट प्रिंट दिया हुआ है एंड साइड कट इज़ प्रोवाइडेड एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्रिंट. और इसके साथ जो बॉटम प्रोवाइडेड है इसमें इलास्टिक प्रोवाइडेड है, ओके. और इसका जो प्रिंट है ना, दिस इज़ लहरिया प्रिंट, जस्ट लुकिंग सुपर्ब. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और पैंट की विड्थ जो है ना इतनी है और मतलब कॉटन फैब्रिक है, प्योर कॉटन. और दुपट्टा भी जो है ना इसका प्योर कॉटन है. सो आई सीरियसली लव द प्रिंट. सो इसमें आपको दोनों प्रिंट्स मिल जाएंगे, लहरिया प्रिंट भी और यहाँ पर जो है ना इस तरह से बांधनी प्रिंट भी है. सो दोनों प्रिंट अवेलेबल है इसमें और इस तरह से वाइट टैसल्स है. सो ओवरऑल दिस कुर्ता सेट इज़ लुकिंग रियली नाइस. इन केस आपको ये ग्रैब करना है, डेफिनेटली ग्रैब. कोड इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट जो कुर्ता है दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लैक कलर कुर्ता. साइज़ जो है इसमें मैंने मीडियम पिक किया है. सो यहाँ पे 38 लिखा हुआ है. सो मीडियम मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 38 और ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा ब्लैक कुर्ता है. कैन सी द प्रिंट और फैब्रिक जो है ना इसका इट इज़ रेयॉन और यहाँ पे बटन प्रोवाइडेड है, हुक प्रोवाइडेड है. आई मीन लेट मी चेक इफ दिस इज़ ओपनेबल. यस. सो यहाँ पे दो हुक दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है. तो इजी टू वेयर और बीड्स एम्ब्रॉयडरी बनी हुई हैं यहाँ पर, कैन सी. और कुर्ते के लेफ्ट साइड में ब्यूटिफुल सी एम्ब्रॉयडरी है और बीड्स का वर्क है, मोती वर्क है और कैन सी बहुत ही ब्यूटिफुल काम किया हुआ है इस साइड और आई सीरियसली लव्ड इट. और मुझे इसका प्रिंट एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, रेयॉन फैब्रिक है, बट ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है. 3-4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यू कैन सी इस पर प्रिंट जो है ना, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये प्रिंट. और ये वॉश करने के बाद भी ना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. आई सीरियसली लव दिस. साइड कट इज़ प्रोवाइडेड, स्ट्रेट कुर्ता है एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्रिंट. सो इन केस आपको ये कुर्ता अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली इसे ज़रूर ग्रैब कर लेना, बिकॉज ऐसे प्रिंट्स ना जल्दी देखने नहीं मिलते. सो दिस इज़ एक्चुअली अ यूनिक पीस फॉर मी. तो अगर आपको भी ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सो आप इसे ले सकते हो. मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसका जो फैब्रिक क्वालिटी है ना ये बहुत अच्छा लगा और इसका जो प्रिंट है और थोड़ा बहुत जो इस पर थोड़ा सा वर्क किया गया है ना तो वो भी अच्छा लग रहा है. सो इन केस वाना ग्रैब दिस. कोड इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट जो कुर्ता है इट इज़ इन ब्लू कलर. सो राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड. इस पर इस तरह से सीक्वेंस का वर्क है और यहाँ पर थ्रेड वर्क है, वाइट थ्रेड वर्क. नाउ दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट एंड फैब्रिक जो है ना इट इज़ रेयॉन. साइज़ जो मैंने पिक किया है इट इज़ स्मॉल. सो स्मॉल से स्टार्ट होता है और आई सीरियसली लव दिस.
और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड। और आप जो भी देख रहे हो ना इस कुर्ते पे, दिस इज ऑल एम्ब्रॉयडरी। सो यू कैन सी ये प्रिंट नहीं है, दिस इज़ एम्ब्रॉयडरी। सो मैं आपको पास से एक बार दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ एम्ब्रॉयडरी और ओवरऑल कुर्ते में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। पहनने के बाद ना इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। एंड साइड कट इज़ प्रोवाइडेड, ये स्ट्रेट कुर्ता है। फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम लुक, आई मीन अ प्लेन लुक। और यहाँ पीछे जो है ना बटन्स दिए हुए विच आर नॉट ओपनेबल, दिस आर जस्ट फॉर शो पर्पस। ओके, यू कैन सी, सो एक स्मार्ट लुक आता है। और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड और यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी है। सो यू कैन सी यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी की गई है। सो आई सीरियसली लव दिस। सो ये कुर्ता मतलब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके साथ आप पिंक कलर का बॉटम टीम अप कर सकते हो या फिर वाइट कलर का भी, बहुत स्मार्ट लगेगा। साइड कट प्रोवाइडेड, ये स्ट्रेट कुर्ता है। ओके, सो इन केस आपको ये लेना है डेफिनेटली ले लीजिए, कोड इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू दिस डेकोर पीस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट है और इसमें ना आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला शेप लिया, ओवल शेप, और ये वाइट कलर का आप देख रहे हो कि एक पॉट मिल रहा है। और इसमें इस तरह से ना ग्रीन फेक जो है ना, फेक ग्रीन ग्रास है किन्सी, और ऊपर से इस तरह से फेक फ्लावर्स है। सो आई सीरियसली लव दिस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसके साथ फिर मैंने एक और जो है ना ट्राई किया, आई थॉट कि मैं दो मंगवा कर देख लेती हूँ। सो इसका जो बेस है ना आप देख रहे हो थोड़ा डिफरेंट है, और ये भी प्लास्टिक का ही है और अंदर आप देख रहे हो फेक ग्रास लगी हुई है और ऊपर से इस तरह से फेक फ्लावर्स है। बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल लुक एट द कलर, ये इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स दिए हुए हैं, फेक लीव्स भी है। सो ऑब्वियसली डेकोर आइटम है और मतलब आप कहीं पर भी रख लो इसे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो आई सीरियसली विल रेकमेंड दिस। इसका मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से बबल रैप पैकेजिंग में आया था और मुझे काफ़ी जल्दी रिसीव भी हो गया था। सो इन केस अगर आपको लेना है डेफिनेटली अब इसे ले लेना, कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, सो डू चेक इट आउट, कोड्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट आर दिस फुटवेयर। सो स्पेशली मैंने इसे रेनी सीजन के लिए लिया था, बारिश के लिए ही, बिकॉज मेरे पास कोई फुटवेयर ऐसा नहीं था जो कि टोटली प्लास्टिक का हो और अगर बारिश में हम पहन के वो जाते तो वो ख़राब ना हो। तो मतलब इसके लिए मैंने ये स्पेशली बाय किया है। इसमें आपको बहुत सारे शेड वेरिएशंस मिल जाएंगे, जस्ट गो एंड चेक द कोड, आपको बहुत सारे शेड वेरिएशन मिल जाएंगे। और मैंने अब तक इसको पहना नहीं है, बट अब इसे दिखाने के बाद मैं पहनना स्टार्ट कर दूंगी। सो यस, सो यू कैन सी ये इस तरह से, ये टोटली प्लास्टिक का ही बना हुआ है और आगे से इट इज़ कवर्ड। सो इन केस यू लव वेयरिंग सच फुटवेयर, डेफिनेटली गो फॉर इट। और बारिश में एक और प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर ये कवर्ड होगा तो आपके पैर भी नहीं ख़राब होंगे और ये काफ़ी मतलब ना कंफर्टेबल है पहनने में। ट्रू टू साइज़ है, आपको जो भी साइज़ है आप पिक कर सकते हो। तो मैंने जो साइज़ पिक किया है मेरे लिए वो अप्रोप्रिएट था। मतलब मुझे पहले थोड़ा डाइसी लग रहा था, पता नहीं कैसा आएगा, बट स्पेशली मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगी आपको बिकॉज इसका साइज़ जो है ट्रू टू साइज़ है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये बिल्कुल भी हार्ड प्लास्टिक नहीं, कैन सी इट इज़ सो सॉफ्ट और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल में है। सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। थोड़ा सा हील दिया हुआ है यहाँ पर, 1 इंच और 1.5 इंच। सो यस, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन केस वाना ग्रैब दिस, डेफिनेटली ग्रैब, कोड इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं हमारे इस मतलब कहते हैं ना कि एवरी यूट्यूबर हैज़ अ ड्रीम टू गेट दिस, मतलब सारी यूट्यूबर्स का ड्रीम होता है कि उन्हें सिल्वर बटन मिल जाए। गोल्डन बटन कब आएगा हाथ में पता नहीं, बट दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर ईच एंड एवरी यूट्यूबर जो इतना हार्ड वर्क करते हैं। एंड मुझे काफ़ी टाइम से ये मिल चुका है, बट वही ना कि मेरे दूसरे फ्लैट पर था जहाँ पर मैं रहती हूँ, ये मेरा स्टूडियो है। एक्चुअली पता है मुझे मतलब उसमें दिख रहा था कि ये लेट आ रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए फिर मैं आई वॉज़ लाइक ठीक है चलो थोड़ा लेट आएगा। बट जैसे ही मुझे कॉल आई मतलब पोस्टमैन से कि आपका मतलब कुरियर आया हुआ है, सो आई वॉज़ सो हैप्पी। और उन्होंने बोला कि YouTube से है, तो मैं बहुत खुश हो गई। तो मैंने जब उनसे रिसीव किया तो उन्होंने भी मुझे स्माइल देकर लिया और कंग्रेचुलेशंस बोला। सो आई गेस इट इज़ लाइक इवन देवर अवेयर कि ये क्या मतलब है, और आई एम सो 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 हैप्पी। इसका जो इसके साथ एक कार्ड मिलता है वो मैं एक्चुअली घर पर भूल चुकी हूँ, बट आई हैव दिस सिल्वर प्ले बटन विथ मी।
सो फाइनली दिस इज़ आर सिल्वर प्ले बटन. सो ये हमारा है बिकॉज आपने और मैंने मिलकर इसे अचीव किया है एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस अचीवमेंट. और ये काफ़ी टाइम से मुझे आ गया था, पता नहीं मैंने अब तक क्यों नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं स्टूडियो पर इसे लेकर आती हूँ, आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ. सो यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने चैनल का नाम नहीं लिखवाया, मैंने खुद का नाम लिखवाया है बिकॉज इन फ्यूचर मतलब चैनल है नहीं है वट एवर, बट मतलब कुछ तो होगा जो मेरे पास अपने नाम से होगा, एटलीस्ट मैं बोल सकूँगी कि हाँ देखो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है. सो येस, सो थैंक यू यूट्यूब एंड थैंक यू माई यूट्यूब फैमिली स्पेशली जिन्होंने हेल्प की मुझे इसको रिसीव करने में, इसको अचीव करने में. यू पीपल रिक्वेस्ट सो मच कि आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ आप डेली कॉन्टेंट लाइए क्योंकि आपको अच्छा लगता है देखना. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एक्चुअली, देर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ, इतनी सारी चीज़ें मतलब एक साथ आ जाती है, ये करो वो करो घर भी देखो और मतलब आई फील के इफ़ यू हैव टू प्रोफेशंस ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब यहाँ पर भी देखो वहाँ पर भी देखो और साथ में यू हैव अ किड एंड आपको घर में भी देखना है. आई हैव मदर इन लॉ स्टेइंग विथ मी जिनको मतलब अर्थराइटिस है तो उनकी भी केयर करनी होती है, मैरिड हूँ यार थोड़ा समझ लो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैं अकेले हैंडल करती हूँ, नो वन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ, और फिर भी मेड है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत यू नो कम हो जाता है काम, बट अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए. बट आई एम ट्राइंग कि मैं कंटेंट मतलब डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आया करूँ. बट मेरा पता है क्या मानना है कि जैसे कि अगर आपकी फैमिली है, यू हैव अ किड और आपके आसपास लोग हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो उन्हें भी टाइम दीजिए. कहीं अगर मतलब मेरे हस्बैंड ने प्लान किया ना चलो हम यहाँ निकलते हैं यहाँ चले जाते हैं तो मैं उन्हें मना कभी नहीं करती हूँ. आई नेवर से कि नहीं मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मुझे ये वीडियो बनाना है वो वीडियो बनाना है, क्योंकि मतलब जब भी मैं कुछ प्लान करती हूँ तो वो हमेशा रेडी रहते, तो आई ऑलवेज़ फील कि मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए. और लाइफ में अगर आप मतलब इन्जॉय नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं इतने पैसे कमा कर. सो येस, दिस इज़ वॉट आई थिंक. और प्लीज़ तो मैं इसीलिए आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप पैसे कमाइए, ज़रूर कमाइए, बट ऑल्सो गिव टाइम टू योर फैमिली. सो येस, सो डेफिनेटली आपका सपोर्ट मुझे आगे भी चाहिए, आगे भी हमें बहुत कुछ अचीव करना है. सो येस, सो डेफिनेटली सपोर्ट एंड डेफिनेटली बी विथ मी. और येस, सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर. नेक्स्ट कॉन्टेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डेफिनेटली आप मिस मत करना. सो